चलिए, शबद या पद, ये भी कबीरदास का लिखा हुआ है। इसमें देखिए, ईश्वर कहाँ है और ईश्वर कौन है, कैसे खोजें, उस बारे पे डायरेक्ट कटाक्ष किए हैं कि इधर उधर पत्थर पहाड़ में खोजने से ईश्वर आपको नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा उसका पता बता रहे हैं, कौन, कबीरदास। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मतलब हुआ कि हमको इधर उधर जो ढूंढते हैं कि फल्ला गंगा में है या वहां है, मंदिर में है कि मस्जिद में है कि कहाँ पे है, झाड़ में है कि पात में है, आम के वृक्ष में है कि पीपल वृक्ष में है, कि इमली वृक्ष में है, कि चर्च में है, कहाँ ढूंढते फिरते हैं जो इंसान, वो हम कहाँ हैं उसके बारे में कबीरदास बता रहे हैं, ईश्वर के बारे में। तो देखिए, यहाँ ईश्वर माध्यम बना रहे हैं, मोको, मोको मतलब ईश्वर ईश्वर माध्यम बना के, मान लीजिए बोल रहा है, किसको माध्यम बना के, कबीर साहब को, कहाँ कि मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर मान लीजिए कह रहे हैं कि हमको इधर उधर मत ढूंढो, हम कहाँ है, तेरे पास में है। नामा देवल, देवल मतलब होता है देवालय, मंदिर, ठीक है। नामा मस्जिद, मस्जिद तो जान रहे हैं, देवालय में देवता रहते हैं, मंदिर में भगवान रहते हैं, और इन मस्जिद में अल्लाह और खुदा रहते हैं, यही कहावत है जी। तो ईश्वर खुद कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामा देवल, नामा मस्जिद, ना कावा कैलाश में। कहता है ईश्वर कि हमको आप इधर उधर मत ढूंढिए, मैं कहाँ हूं, तो आपके अंदर में हूं, आपके पास में हूं। ना मैं देवल में मिलूंगा, मंदिर में मिलूंगा, ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना कावा जाने से मिलूंगा, ना कैलाश जाने से मिलूंगा, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, ना तो हम किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जंत्र वाला काम कर लीजिए, हम उसमें आपको नहीं मिलेंगे, और ना ही आप योग कीजिए या बैराग ले लीजिए, सबको छोड़ छाड़ के जंगल चले जाइए, साहब हम फकीर आदमी हैं, झोला उठा लीजिए और चले जाइए जंगल, वहां भी ईश्वर नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो मैं ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना योग बैराग में, खोजी ही हो। देखिए, खोजी मतलब खोजी हो तो तुरंत मिल हो। देखिए, खोजी किसको कहा जाता है, खोजी मतलब होता है जो ईश्वर को खोज रहा है, जिसके अंदर में इच्छा है कि हम ईश्वर को प्राप्त करें, देखें, और इस जन्म मरण के चक्र से छूट के हम सदा के लिए मुक्त हो जाएं। तो ईश्वर को पहले देखिए, संसार ईश्वर बना रहा है, वो मिलेगा तब ना पूछेंगे कि मालिक यहां हमको क्यों भेजे हैं, क्यों रखे हैं, हम आपके साथ रहेंगे, तो पहले उसको खोजना पड़ेगा। तो ईश्वर खोजने के लिए कहां बता रहे हैं, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावा कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिल हो। खोजी मतलब होता है ईश्वर का जो खोज कर रहा है, जो साधना कर रहा है कि स्वयं प्राप्त करेंगे। अगर सच्चा खोजी आप हैं तो तुरंत मिल जाएंगे पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर दास बोल रहे हैं साधु को माध्यम बनाकर कि हे भाई साधो सुनो, ईश्वर कहाँ है, तो सब संतों के, सब श्वासों के श्वास में। आप जो साधना करते हैं और श्वास लेते हैं, तो प्रत्येक श्वास में ही ईश्वर हैं, उपस्थित हैं, इसलिए आप क्या हैं, जिंदा हैं। बात समझ रहे हैं? ईश्वर कण कण में है। इसका मतलब है, ये मतलब नहीं होगा पहाड़ में खोजिए, पत्थर में खोजिए, वहां खोजिए, वहां खोजिए, बात समझे। ईश्वर कहाँ खोजना है, अपने अंदर में। ये कौन बोले हैं, कबीर साहब। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अब कबीर साहब कह रहे हैं किसको, अपने जो संत भाई हैं, कबीर दास भी क्या थे, संत थे, तो उनके साथ जो कबीर दास भी ईश्वर को खोज रहे हैं, तो और जो भाई सपाटी होंगे इसका, क्लासमेट, उनको बोल रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, नहीं बताए ऊपर में ज्ञान ना मिला जी, कि हमको इधर उधर मत करो, हम कहाँ है, अंदर में है, ज्ञान हुआ ना।
कहता है उस ज्ञान का आंधी आ चुका है, इधर उधर मत भंगतो, मत खोजो, ऐसा नहीं कि पोटरा पोटरी लाद लो, इधर उधर मांगते चलो और खोजते चलो, उसमें ईश्वर नहीं मिलता है। उपवास करने से भी ईश्वर नहीं मिलता, उसे वो सब क्या है, एक शरीर मजबूत करने का तरीका है, समझ गए। जितना भी धर्म या संप्रदाय में है, उपवास है, पूजा पाठ है, वो आपके अंदर में शरीर और श्रद्धा को मजबूत करता है, उसे ईश्वर नहीं मिलता है, बल्कि आपको ईश्वर धारण करने की क्षमता क्या होता है, मजबूत होती है। बात समझे? तो ये हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहे हैं? कबीर साहब, कि संतो भाई आई ज्ञान के आंधी रे, भ्रम की ठाठी सबे उड़ानी। आपको जो भ्रम है, भ्रम रूपी ठाठ, ठाठ समझते हैं जी, घर का जो बीच में मजबूत जिससे आप लोग लटकाते हैं दोनों तरफ, चदरा या कुछ भी लटकाते हैं, तो बीच में जो बांस का होता है ना बना हुआ, उसको कहा जाता है ठाठ। तो भ्रम रूपी जो ठाठ आप अपने घर में बना के रखे हैं अपने ही घर में, तो वो क्या होगा, सब उड़ा देगा। कौन? तो ऊपर में जो ज्ञान का आंधी आया है कि अंदर में खोजिए, इधर उधर मत खोजिए। माया रहे ना बांधी रहे, और किसी भी प्रकार का आपका जब ईश्वर भक्ति में आप कूद जाइएगा, तो इधर सांसारिक माया से धीरे धीरे क्या होगा, आप छूटने लगिएगा। कहता है जितना माया आपको बांध के रखा है, वो धीरे धीरे सब क्या होगा, बांधा कुछ नहीं रहेगा, धीरे धीरे सबसे क्या होगा, छूट जाइएगा। हिती चीती के द्वैत हुनी गिरानी, मोह बनिंदा तूटारे। देखिए कहता है मोह माया, जितना आपका हित है, जहां पे आपका मन लगा रहता है कि मेरा ये हित है, ये अपना है, ये यार है, ये दोस्त है, ये सखी है, ये सहेली है, बस समझ रहे हैं। तृष्णा छानी पड़ी घर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा रे। कहता है तृष्णा जो है वो छिन्न हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और आपके घर पे जो कुबुद्धि का जो परत पड़ा है ऊपर पे, वो भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कब? जब ईश्वर को कहां खोजिएगा, अपने अंदर में। अपने अंदर में जब खोजिएगा, ये सब घटना आपके पास होगा कि आप जो तृष्णा में जी रहे हैं वो छिन्न हो जाएगा। घर पे जो के ऊपरी परत जो कुबुद्धि जो पड़ा हुआ है, कुबुद्धि का जो चदरा लगा हुआ है, जो परत है, उसका भंडा क्या होगा, फूट जाएगा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवे ना पानी। कूड़ कपट काया का कूड़ कपट काया का निकसाया हरी की गति जब जानी रे। देखिए आप में जितना भी कपट का गुण होगा, नकारात्मक गुण होगा, वो सब जो है जितना काया रूपी, काया मतलब होता है शरीर, तो आपके आत्मा पे जब ये सब का परत चढ़ जाता है, एक प्रकार का शरीर बन जाता है, सब आपको छोड़ देगा, सब निष्काया हो जाएगा, मतलब आपका जितना भी काया अंदर में, वो सब क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। किस रूपी काया? तो कपट, कूड़, ये सब जो है नकारात्मक गुण होता है इंसान का। कब होता है? हरि की गति जब जानी रे, आप जब हरि ईश्वर की गति को जान लीजिएगा, तो क्या होगा, आप जितना कूड़ कपट का काया पे चढ़ा है, सब क्या हो जाएगा, निष्काया, मतलब उससे आप आजाद हो जाइएगा, उससे आप छूट जाइएगा। आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कहता है कि जब प्रेम ज्ञान रूपी आंधी आएगा, तो मान लीजिए आप पे प्रेम की वर्षा होगा, ईश्वर की प्रेम की वर्षा होगा, और उसके अंदर से आपको में, आपके अंदर में भान प्रकट, भान मतलब होता है सूर्य, सूरज, बात समझे। तो ज्ञान रूपी अंदर में आपका क्या होगा, सूर्य का उदय होगा, एक नया सूर्य प्रकट होगा, समझ गए। चलिए इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा।